वेलकम टू कंसिस्टेंट मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हम लोग आज करने वाले हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस। विद इन सेकंड में इसका आंसर हम लोगों को मिलेगा और क्विक कैलकुलेशन लॉजिक के साथ मिलेगा। इसमें ना कोई ट्रिक होगा, ना ही कोई मैजिक होगा, ओनली हम लोग का मैथ लॉजिक के द्वारा हम लोग इसका आंसर को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे कि हम लोगों का जो ट्रेडिशनल हम लोगों का जो तरीका है वो भी क्या है, उससे उसको भी हम लोग समझेंगे और क्विक के कैलकुलेशन लॉजिक को भी समझेंगे। तो देखिए, अगर हम लोगों का जैसे 11 आपका ओनली 4 टाइम्स है और मल्टीप्लीकेशन में है, ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन में है, और अगर ये इन्फिनिटी तक रहा तो इसका भी आंसर क्या होगा। तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहे और अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अगर क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से रहा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, क्वेश्चन हमें रूट एक्स और यहाँ पर हम लोग रूट राइट कर सकते हैं, रूट एक्स, और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स टू द पावर 1/2, और फिर अगेन इसको हम लोग राइट कर सकते हैं एक्स और एक्स टू द पावर आपका हो जाएगा 3/2 और ये आपका अंडर रूट, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा एक्स और एक्स टू द पावर 3/4 हो जाएगा, ये रूट आपका टूटेगा तो ये 1/2 आपसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4 और ये आपका 1 है, तो 1 + 1 + 3/4, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये आपका आ जाएगा एक्स टू द पावर 7/4, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आया, ये आपका हो गया 7/8 हो गया, क्योंकि ये रूट टू है, फिर आगे अगेन होगा, फिर 7/4 × 1/2, तो 7/8 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपका रूट है, ये आपका 3 times है, 1, 2, 3, तो एक्चुअल में आपका क्या हुआ, एक्स टू दी पावर आपका कितना आ गया 8 पे पावर आपका 2 to the power 3 हो गया, और इसको अगर 2 to the power 3 - 1 लिखेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, इससे एक कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हुआ ट्रेडिशनल वे, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग शॉर्टकट से किस तरह से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स के लिए हमें एक आपको लॉजिक देता हूं, क्विक के कैलकुलेशन लॉजिक जो है वो आपका लॉजिक क्या है, लॉजिक आपका जो है वो है कि अगर आप जो भी नंबर होगा उस नंबर को, जैसे यहाँ एक्स है, मैंने एक्स में आपको जनरल फॉर्म में मैंने फॉर्मूला राइट कर रहा हूं, तो अगर आपको यहां पर लिखना है तो आप 2 to the power यहां पर जो भी नंबर्स होगा आप यहां पर राइट कीजिएगा और फिर उसी से आप 1 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। यहां पर n क्या है, यहां n है नंबर ऑफ आपका जो है वो क्या है, डिजिट्स, जो डिजिट आपको कितने टाइम्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ये डिजिट्स कितने टाइम्स है आपको उसको राइट करना है, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूला को अगर आप यूज करते हैं तो विद इन सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो अगर इसका आंसर हम लोग लिखे तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो हम लोग अगर आंसर लिखे तो 11 to the power 1, 2, 3, 4 times, तो 2 to the power 4 and 2 to the power 4 - 1, तो आपको क्या आंसर मिलेगा। कितना इजी से, जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो कितना इजी से विद इन सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं तो और आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आपका कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 times है, ठीक है बच्चों। तो 2 to the power 5 में राइट करूंगा तो एक्स आपका 5 हो गया और ये आपका 5 times है, 1, 2, 3, 4, 5 times है, तो आप कितना लिखिएगा 2 to the power 5 एंड 2 to the power 5 - 1, ठीक है बच्चों। तो आपका 2 to the power 5 आपका कितना होगा, 32 होगा और ये आपका 32 - 1 = 31 होगा, तो आपको रिजल्ट कितना मिला, 5 to the power 31 by 32। देखिए कितना इजी है ना, तो आप कितना इजी सॉल्व करते हैं। अब आपका है कि अगर ये इन्फिनिटी तक है तो इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई क्या होगा, तो आप देखिए इसको कितना इजी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसको आप कितना राइट कर सकते हैं, 7 and 2 to the power आपका 3 and 2 to the power 3 - 1, तो आप इजी से राइट कर सकते हैं आपका 8 और आपके हो जाएगा 7, तो कितना इजी से इसका आंसर दे सकते हैं ना। तो चलिए, अगर आप इन्फिनिटी में अगर क्वेश्चन रहा तो इसका रिजल्ट हम लोग कैसे ला सकते हैं, तो इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले इसको समझते हैं, फिर इसका आंसर देंगे, ठीक है। आंसर तो आप बहुत इजी से कर सकते हैं, आप एकदम सेकंड में आंसर दे सकते हैं, मैं आपको 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकता हूं। तो आपको आंसर केवल 6 राइट कर दीजिएगा, इसका आंसर केवल 5 राइट कर दीजिएगा। जो नंबर होगा इन्फिनिटी तक होगा और मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जो नंबर होगा उसी को केवल राइट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका बेसिक, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि इसको लेट x = √x 6
रूट सिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपका है, आपका इन्फिनिट तक गया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ये आपका तो सिक्स हो जाएगा, और ये 16 यहां से यहां तक आपके इन्फिनिटी तक आपको क्या है एक्स है, तो आप इसको यहां एक्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी से आप राइट कर सकते हैं। तो आप फिर यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स राइट कर सकते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपको फाइनली एक्स का वैल्यू क्या मिला, सिक्स मिला, ठीक है। तो देखिए कितना इजी से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ भी आप प्रूव कर सकते हैं विद इन सेकंड में, सेम इसी तरह से आपको ये फाइव मिलेगा, ठीक है। और आपका वीडियो आपको और ये कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने बताया, जो लॉजिक बताया आपका, वो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपना चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। जय हिंद।